नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ प्रतिशत का एक भाग। जो सवाल प्रतिशत में करने रहते हैं अपन को, उन्हीं सवालों को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ। यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पे ये चीज अपन को प्रतिशत में दे दी इसने और कह दिया इसने कि साधारण भिन्न में परिवर्तन करें। तो अपन किस तरह से करते हैं, आइए मेरे साथ। पहला सवाल लेते हैं अपन, 35% इसने दे रखा, 35% को साधारण भिन्न में बदलो। तो अपन आसानी से बदल सकते हैं। आप 35, ये जो प्रतिशत का निशान है, इस प्रतिशत के निशान को अपन हटाते हैं तो नीचे आता है 100। आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत के निशान को हटाते हैं तो नीचे आएगा 100, कहीं भी हटाएंगे तो बटे में आता है 100। तो इस तरह से 5 से काटते हैं इसको, 5 से 35 और इधर काटते तो 5 × 10 यानी 7/20। ये अपना बड़ी आसानी से अपन ने बदल दिया साधारण भिन्न में। जो प्रतिशत दे रखा था 35% को बदलना था साधारण भिन्न में, तो 7/20 इसको अपन आसानी से बदल दिया। इसी तरीके से अपन दे दिया इसने दूसरा सवाल कि 1.6% को साधारण भिन्न में बदले। तो अपन बदल सकते हैं आसानी से कि बटे में प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100। आप देखो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है और पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे आता है एक संख्या, यानी मैं यहाँ पे पॉइंट को हटा रहा हूँ तो ऑलरेडी 100 तो है ही सही, लेकिन ये पॉइंट हटेगा तो एक और 0 आ जाएगा इसके साथ में, तो अपने आ जाएगा 16/1000। अब इसको काट सकते हैं, 2 से काट रहा, 2 × 16, 2 से काटो 2 × 10 यानी 500 हो गया, 2 × 8 इसको काटो, 2 × 1 = 2, 2 × 10 यानी 250 हो गया। आप फिर काट रहे 2 × 2 = 4 और इधर काटो 2 × 2, 2 × 4 = 10 यानी अपने पास साधारण भिन्न में बदल दिया अपन ने 2/125, ये अपना आंसर होगा। इस तरह से अपन सवाल को कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल एक और दे रखा तो अपन इसको भी कर लेंगे, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, 0.5%। अब आपको पता है 0.5% हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो एक 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे अपन पॉइंट हटा देते हैं तो बचेगा कितना 5, तो नीचे आ गया 1000 यानी पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक 0, 2 संख्या होगी तो 2 0। अब काट देंगे 5 × 5, 5 × 10 यानी आंसर आ गया अपने पास 1/200, ये अपना आंसर होगा तीसरे का। इस तरह से अपन चौथा भी कर सकते हैं, चौथे को भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो 125 प्रतिशत दे रखा, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। अब इसको काट लो, इसका छोटा रूप कर सकते हैं अपन, 5 × 10 यानी भाग दे रहे हो तो आप 5 का इसमें दे रहे हो तो 5 का इसमें देना पड़ेगा, बराबर संख्या का भाग देना पड़ेगा। आप 5 × 2 कितना हो गया 10, बचा 2 × 5 = 25, अब 5 × 2 = 10 यानी इधर हो गया 20, अब फिर 5 × 5 = 25 और 5 × 20 यानी 4 बार कट गया। तो अपन अपने आंसर आ गया ऊपर कितना 5 और नीचे कितना है 4 यानी 5/4। तो अपन बड़ी आसानी से निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें, तो अपन आसानी से कर सकते हैं। इन सवालों को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सवाल को समझना है और इस तरह से मैं आपका एक एक टॉपिक के जो सवाल बनते हैं वो सारे सॉल्व करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप इन सवालों को कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।